हेलो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ई-वेस्ट। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ई-वेस्ट कहाँ से आया और ये न्यूज में क्यों आया है। तो स्टूडेंट देखिए, हमारा ह्यूमन बींग्स जो होता है वो नेचर से कनेक्टेड होता है। तो नेचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो ह्यूमन बींग को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। जो हमारे पेपर्स का एक, जो हमारे न्यूज पेपर होते हैं, टेलीविजन होते हैं, न्यूज का एक पार्ट बन जाती है। तो इसलिए ये एक पेपर में, हमने अभी न्यूज पेपर में देखा था, ये विशेष के बारे में एक आर्टिकल आया था और उसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई है। जो पहले रूल्स थे उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो मुझे लगा कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, जिसको आज एक नए सिरे से पढ़ेंगे और क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं और क्या क्या इसकी क्वालिटीज हैं और क्या चेंजेस आए हैं, वो सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो हमारा टॉपिक है ई वेस्टेज। ओके, तो इसमें इसको थोड़ा कनेक्ट कर देते हैं कि जब भी हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी परिवर्तन आता है तो उसका एक बड़ा और अहम मुद्दा ई वेस्टेज से कनेक्ट होता है। कोई भी बीमारी अगर फैल रही है, अगर कोई भी नुकसान हो रहा है ह्यूमन बींग्स को, नेचर में कोई इफेक्ट आ रहा है, वायु इंडेक्स में कोई परिवर्तन हो रहा है, मृत्यु दर, जन्म दर में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रीजन ई वेस्टेज होता है। बिकॉज हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा युग, आज का जो युग है वो साइंस का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। तो टेक्नोलॉजी में क्या होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का प्रयोग होगा, राइट? इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण कौन कौन से होंगे, जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो इसी जो इलेक्ट्रिक वर्ड, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आ रहा है, यही वर्ड यहाँ पे डिनोट करेगा व्हाट इज ई वेस्टेज। सो आई एम टेकिंग हियर व्हाट इज, फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज ई वेस्टेज, राइट? सो चलिए थोड़ा सा कोई पेन का कलर बढ़िया सा ले लेते हैं। ये ई वेस्टेज में देखो, जो ई वर्ड डिनोट कर रहा है, दिस वर्ड इज डिनोटिंग द इलेक्ट्रॉनिक, एंड वेस्टेज का मतलब होता है कचरा यानी गार्बेज। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से बना जो भी गार्बेज होता है, दैट इज कॉल्ड ई वेस्टेज। हमारे जो भी होम अप्लायंसेस होते हैं, देखो यहाँ पे लिख देते हैं कौन कौन सी चीजें आती हैं, कितने भी होम अप्लायंसेस होते हैं, कोई भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल, एनी डिवाइस, एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस, एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो जो दीज चीजें हैं, ये सारी चीजें एक तरीके से वेस्टेज को कहीं ना कहीं जनरेट कर देती हैं, क्योंकि हर उपकरण की, हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है। जैसे फ्रिज 10 ईयर, 5 ईयर, ऐसे अलग अलग होता है। 10 ईयर का फ्रिज के लिए होता है, रेफ्रिजरेटर के लिए, तो गाड़ी के लिए भी 20 ईयर्स का होता है, दिल्ली वगैरह में आपने पता भी किया होगा, राइट? तो ये जो समय के बाद गाड़ियां बर्बाद, खराब हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो ये एक तरीके से ई वेस्टेज को प्रोड्यूस करती है। ये तो हो गई ओवरली परिभाषा, ये बैकग्राउंड हो गया थोड़ा सा। अब ई वेस्टेज होता क्या है उसकी डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट इज ई वेस्टेज। सबसे पहले समझने का विषय है कि वेस्टेज, ई वेस्टेज होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होगा उसी को आप ई वेस्ट बोलते हैं। इज एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, कोई भी इलेक्ट्रिकल हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है। इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अगर उनका कोई भी इक्विपमेंट डिस्कार्डेड हो रहा है, वेस्ट हो रहा है कंज्यूमर्स के द्वारा या बल्क कंज्यूमर के द्वारा, दैट इज इंक्लूडेड इनटू ई वेस्टेज। तो ई वेस्टेज क्या होता है, एक रफली आइडिया आपको पता चल गया होगा। सो यहाँ पे देखिए कुछ पॉलिसीज भी लिखी हुई है कि ई वेस्टेज जनरेशन हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। लास्ट कुछ सालों में कैसे कैसे ई वेस्टेज में इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो क्योंकि पहले की सोसाइटी में इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का महत्व तो नहीं था। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे ई वेस्टेज भी ज्यादा आएंगे। पहले बहुत सारे घरों में एक या दो फोन हुआ करते थे, आप देखो हर कैंडिडेट के पास एक एक अपना पर्सनल फोन है। तो दिस फोन कभी ना कभी डिस्ट्रॉय होगा 2 साल 4 साल 5 साल बाद, तो वो कहीं ना कहीं ई वेस्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? इट तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ई वेस्टेज जनरेटेड है, तो कुछ पॉइंट्स है। तो देखो 2018 में गिवन था कि इट वॉज 8,478 मैट्रिक टन पर एनम। 2018-19 में 8,400
मैट्रिक टन कचरा निकलता था इस साल में। और फिर 2020 में क्या हुआ, ये 8,000 से 20,000 हो गया। समझ सकते हैं आप कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। 19 में तो 17,000, 17,028 मीट्रिक टन था। तो ये एक वी वेस्टेज है, ये ऑल ओवर की बात हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ई वेस्टेज कितने तरीके से इम्प्रूव होता है, कितनी तेजी से बढ़ता है। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का ज्यादा यूज करेंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा है, ई वेस्ट है, वो भी आपका इम्प्रूव होगा। तो स्टूडेंट ये आप डेटा याद रखिएगा, ये आपको मेंस राइटिंग में कहीं ना कहीं काम आएगा, और जो भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मार्क्स कर देगा कि 2020 में गार्बेज कितना प्रोड्यूस हुआ था। तो यहाँ पे आपको मेंस करना होगा, राइट। तो अब देखते हैं कि कुछ स्टेट्स की उसने बात की है, कौन स्टेट किस में आगे था। तो इन स्टेट 25 वेस्टेज प्रोसेसिंग यूनिट्स आर ऑथराइज्ड बाय राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू फॉर टू हैंडल द प्रोसेस ऑफ ई वेस्ट। राजस्थान की गवर्नमेंट ने ई वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम अपनाए हैं, कुछ कदम उठाया है। 25 स्टेट्स में ये प्रोसेस किया गया है। ओके स्टूडेंट, तो व्हाट इज ई वेस्टेज, क्या उसका बैकग्राउंड था, यानी कितना कैसे कैसे इम्प्रूव हुआ, उसका डेटा मैंने बताया। राजस्थान ने इस पर कदम उठाया, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है, तो ई वेस्टेज कंटेन्स यूजफुल मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट्स सच एज प्लास्टिक, आयरन, ग्लास, एल्युमिनियम, कॉपर, प्रेशियस मेटल एंड आल्सो हैज हार्डर सब्सटेंस। जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं वो इन्हीं से बनते हैं, या फिर प्लास्टिक से बना होगा, राइट, या फिर आयरन से होगा, ग्लास से बना होगा, एल्युमिनियम से बना होगा, कॉपर से बना होगा। और ये सारी चीजें क्या होती हैं, हैजार्डस होती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। ओके, मरकरी उसमें होती है, मरकरी तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल होता है। सो कौन कौन से मेटल से ये बनता है, कैसे ई वेस्टेज आता है, और अगर कोई पूछ ले कि ई वेस्टेज में कौन से कंपाउंड्स इंक्लूड होते हैं, तो इतने मेटल्स का वहाँ पे सब्सटेंसेस का इंक्लूडमेंट होता है इनटू ई वेस्टेज। ओके, अब ये कैसे हमारे एनवायरनमेंट को और हेल्थ को इफेक्ट करता है ई वेस्टेज, यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है। तो देखो, एमिशन फ्रॉम ई वेस्टेज क्रिएट एनवायरमेंटल डैमेज, टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम ई वेस्टेज इंटर द सॉइल फूड पैथवे, दोज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड दे सॉइल पोल्यूशन। तो ये एक तरीके से हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी अर्थ को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एक पॉइंट आया, देखो टॉक्सिक केमिकल्स जो उसमें होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स कैसे होते हैं, देखो टॉक्सिक केमिकल्स में जैसे मैंने बताया मरकरी, पारा, ये सारी चीज़ें जब हमारे अर्थ में मिल जाती हैं तो अर्थ की जो फर्टिलिटी रेट है उसको कम कर देती हैं, राइट। तो सॉइल की जो फूड पाथवे है उसको भी कम करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। कभी कभी तो फूड चैन जो है, फूड सर्कल है, वो भी ख़त्म हो जाता है, किसी भी भूमि में कुछ भी नहीं प्रोड्यूस होने लगता है कभी कभी। तो ये कभी कभी ई वेस्ट की वजह से ही हो जाता है, राइट। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो भी सॉइल पोल्यूशन करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या क्या आता है, जैसे लेड आ गया, तो लेड क्या होगा, कहीं भी अगर अर्थ में जाएगा तो वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। इसी तरह अगर हम बात करें कोई भी पॉलीथीन हो सकती है, वो भी ऐसा कर सकती है, राइट। तो ई वेस्टेज के हेल्थ पर, एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, वह भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्या क्या पॉलिसीज आती हैं, पॉलिसीज भी आपके मेंस अंडर आंसर राइटिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव लेते हैं, देखो, इन्फोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन फॉर ई वेस्टेज मैनेजमेंट। लेजिस्लेशन में भी इन्फोर्समेंट किया जा रहा है, यानी कुछ ना कुछ नए नए बिल आते रहते हैं, बहस होती है और प्रयास किया जाता है कि वेस्टेज को कम किया जाए। टू इंक्रीज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड पीपल्स अवेयरनेस, मनुष्य को जागरूक भी किया जा रहा है, कई प्रोग्राम कराए जाते हैं। वायु पर्यावरण दिवस के रूप में एक दिवस मनाया जाता है जिससे लोग जागरूक हों, अगर जागरूक होंगे तो लोग अपने प्रति सचेत रहेंगे। तो जब अपना जो भी वेस्टेज हो रहा है अपने से द्वारा, जो अपने घर से निकल रहा है, अगर आप उसको सही तरीके से यूज करते हैं तो वो अगर सब लोग करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में प्रॉब्लम लिमिटेड हो जाएगी, राइट। जैसे स्वच्छ भारत मिशन आया, स्वच्छ भारत मिशन से क्या हुआ, हर गली में एक गाड़ी चला दी गई, हर आदमी अपना कचरा गाड़ी में डालने लगा, क्या हुआ, देश स्वच्छ होने लगा। तो ये सारी चीजें अगर आप एक कदम उठाते हैं, वो आप कोई भी कदम उठाइए उसको ऐसा सोचिए कि जो मैं कदम उठा रहा हूँ अगर ये हर देश का आदमी करेगा तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट।
अगर आपने कुछ अच्छा कदम उठाया तो देश से अच्छा हो जाएगा देश का, और अगर आपने कुछ गलत कदम उठा दिया तो देश का भी गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए आप भी ऐसा काम करिए जिससे आप अच्छा कदम उठाएं और दूसरों को भी जागरूक करें कि वो भी उस क्षेत्र में काम करे जिसको संसार को नेचर को जरूरत है। ओके, तो जागरूकता बहुत जरूरी है। अगर मनुष्य जागरूक नहीं होगा तो कितनी भी पॉलिसी आ जाए, कितने बिल्स आ जाए, दैट इज यूजलेस, राइट। सो इस्टेब्लिश ई वेस्टेज पार्क भी बनाए गए हैं जिससे आप अपने सामान को वहां पे ले जा सकते हो और वहां पे उसको बायोडिग्रेडेबल करके उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा और नए फ्रेम किए जाएंगे। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो प्लीज रीड एंड अंडरस्टैंड। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी, कितने पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किया कि पहले व्हाट इज वेस्टेज होता क्या है, देन आई एक्सप्लेन हियर कि क्या क्या डेटा था, मतलब कैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, फिर कैसे हार्मफुल होता है यानी हमारे ह्यूमन बींग्स पर कैसे इफेक्ट करता है, एनवायरमेंट को कैसे इफेक्ट करता है, और कौन कौन से स्टेप हमें उठाने चाहिए इसको सेफ करने के लिए, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं कि किस चीज के लिए कितने एज है। हर इंस्ट्रूमेंट्स की, हर होम अप्लायंसेस की अपनी एक लिमिट होती है कि इसको इतने साल तक आपको यूज करना है, दैट आफ्टर दैट टाइम दिस विल बी यूजलेस, राइट। तो चलते हैं, वाटेज वेस्टेज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज की डिफिनेशन यहाँ भी लिखी हुई है, तो इफ यू वांट टू राइट सो यू कैन राइट हियर, राइट। सो दिस इज ई वेस्टेज। सो फर्स्ट आई रेस ऑल ऑफ देम, फिर देन आई विल एक्सप्लेन हियर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज होता है इसको हम, वैसे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं कि कौन कितने टाइप का होता है और कौन सा प्रोडक्ट की कितनी लिमिट है, ये आप याद कर लीजिए। आप अगर डेटा किसी को बताओगे, आप डेटा में साइंस राइटिंग में कभी राइट करोगे या किसी को एक्सप्लेन करोगे तो वो थोड़ा सा बात में वजन आएगा। जैसे टेलीविजन है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि टेलीविजन के लिए कितने ईयर का है। तो देखो कोई स्टार्ट ले लेते हैं यहाँ पे, टेलीविजन के लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है 18 ईयर। आप कोई भी टेलीविजन लाते हो और आप उसको अगर 18 साल तक उसको यूज कर लेते हो तो फिर उसके बाद अगर टेलीविजन आपकी अच्छी भी है या खराब हो गई है तो वो एक बायोडिग्रेडेबल यानी ई वेस्टेज में इंक्लूड हो जाती है। इसी तरह रेफ्रिजरेटर का 14 ईयर है, वॉशिंग मशीन का 12 ईयर है, एयर कंडीशनर का 10 ईयर है, कंप्यूटर का 7 ईयर है, कंप्यूटर मॉनिटर का 9 ईयर है जो मैं यूज कर रहा हूँ, राइट। मोबाइल फोन्स का 2 ईयर होता है, बट आपको पता है कोई भी फोन 5 से 7 साल 8 साल आदमी आसानी से चलाता है। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि ये 2 साल में तो नहीं खराब होने वाला है, बट पॉलिसी बनाई गई है कि आपको 2 साल में इसको यूजलेस ही मानना पड़ेगा। मोबाइल बैटरी 1 ईयर ये तो मान सकते हैं, राइट। और लैंप भी है डाई बैटरी, तो ये कई सारी चीजें हैं। अब ये तो ओल्ड है, ये एक बात आपको बता दें कि दिस इज ओल्ड एज लिमिट ऑफ ई वेस्टेज। अब सरकार ने कुछ पॉलिसी बदली है बिकॉज ई वेस्टेज का खर्च, ई वेस्टेज जो कचरा है वो बढ़ता ही जा रहा था, तो सरकार ने कुछ नई पॉलिसी लाई है और उसमें कुछ चेंजेस किए हुए हैं। तो आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द न्यू रूल ऑफ दिस। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज के टाइप कहाँ कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले ई वेस्टेज की अगर बात करें तो देखो, जो भी आपके पर्सनल डिवाइसेस हैं वो कभी ना कभी खराब होंगे और वो ई वेस्टेज में इंक्लूड होंगे। मॉनिटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कोई भी सेल फोन हो, वो कभी ना कभी ई वेस्टेज में कन्वर्ट होगा। और कभी ना कभी का मतलब नहीं है 2 ईयर जो मैंने लिमिट आपको बताई। ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट्स हैं, टेलीविजन है, स्कैनर है, कैमरा है, माउस कीबोर्ड, ये सभी कहीं ना कहीं कभी ना कभी ई वेस्टेज में ही आएंगे। ये सारे ई वेस्टेज के टाइप हैं, आप याद कर लीजिएगा और आपको पॉइंट्स में लिखने में इसको थोड़ा सा मदद मिलेगी, राइट। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि किस ईयर में कैसा इसका रहा सिस्टम, कि कैसे कैसे कंपोजिशंस रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसमें 14% हिस्सेदारी इवेस्टेज में होती है। अगर टोटल 100% इवेस्टेज को माना जाता है वर्ल्ड में या इंडिया में, उसमें 14% कंज्यूमर जो चीजें यूज करते हैं उससे बनते हैं, सेल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह जो भी चीजें हैं। लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंसेस में 42% आते हैं, फ्रिज, कूलर, एसी, ये भी होम अप्लायंसेस से कभी ना कभी तो डिस्ट्रॉय होंगे, तो ये 40% होते हैं। आईटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में जैसे माइक होता है, वायरलेस ब्लूटूथ होता है, कई सारी चीजें होती हैं,
तो वो इस इंक्लूड लगभग आईटी सेक्टर से 34% आता है, और 10% में अदर आता है। 10% में अदर वैसे कैसे? हाँ, तो मोबाइल्स हो गए, आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो गए छोटे जो घर के होते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी यूज होती हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके कंपोजिशन होते हैं ई वेस्टेज के। तो यहाँ पे देखिए 100% अगर ई वेस्टेज निकल रहा है तो उसका किस तरीके से रेशियो है। 52% लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंसेस के लिए होता है, 34% आईटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 14% होता है। राइट स्टूडेंट, आप डेटा भी याद करिएगा, जब आप आंसर आंसर राइटिंग में इसको इंक्लूड करेंगे तो आपके ये आंसर जो है अदर से थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट मूव। तो अब यहाँ पे देखिए जो नई पॉलिसी आई है उसको यहाँ पे आपको बताते हैं कि क्या कैसे हुआ है। तो देखो यहाँ पे मंत्रालय, ये न्यूज अभी की है, अराउंड 10 to 15 days हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है ई वेस्ट मंत्रालय, सॉरी आई इंक्लूड ए पेन देन आई विल एक्सप्लेन हियर। तो जो ई वेस्टेज है, अब 10 साल देखो लिखा है 10 साल में कबाड़ हो जाएगा आपका फ्रिज और वॉशिंग मशीन। पहले क्या था देखो आप ध्यान से, पहले रेफ्रिजरेटर 14 साल तक चलता था, राइट, देख रहे हो आप यहाँ पे। और पहले रेफ्रिजरेटर 14 साल तक चलता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, इसी तरह रेफ्रिजरेटर है गया है। अब आपको रेफ्रिजरेटर जो होगा वो बहुत ज्यादा चलेगा, तो 10 साल, 10 साल इसकी लिमिट को फिक्स कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। सेलिंग फैन को भी 10 साल कर दिया गया। वो पुराने हैं ये नए हैं, आप लिखना चाहो तो आप दोनों को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन ये आपका थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन है तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। वॉशिंग मशीन भी 10 साल चलेगी आपकी। ओके, रेडियो सेट को 8 साल, स्मार्टफोन लैपटॉप को 5 ईयर, टैबलेट को 5 ईयर, स्कैनर को 5 ईयर। तो मैक्सिमम देखो यहाँ पे आपको 10 साल ही दिया गया है। सेलिंग फैन वॉशिंग कैसे याद कर सकते हो, ये होम अप्लाइंसेस है, मियाँ होम अप्लाइंसेस ये हैं, आप इसको याद करिए 10 साल, बाकी को आप 5 ईयर कर सकते हो। ओके, अगर वाहनों के लिए आते हैं तो देखो लिखा है पहले 20 ईयर का होता था, अब क्या है 15 साल के बाद फिटनेस टेस्ट कराना होगा। अगर उसमें आपका वाहन फिट है तो उसको आगे इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, उसको दे दिया जाएगा कि हाँ आप 5 साल 10 साल और चला सकते हो। उसमें कोई कमी आती है तो फिर आपको वो यूजलेस ही माना जाएगा, आपको उसको बेचना होगा या फिर उसको डिस्ट्रॉय कराना होगा, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो मंत्रालय ने इसको 34 उपकरण की सीमा तय की है। तो कभी कभी वनडे एग्जाम में आता है कितने उपकरण, तो इसको 34 उपकरण को आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो ये मैंने सारे उपकरण के नाम भी लिख दिए हैं। अब निजी वाहनों का कितना हो गया, 15 साल, अगर 15 साल के बाद अभी भी सही है तो फिर नष्ट नहीं किया जाएगा, वरना इनको नष्ट कर दिया जाएगा। अभी वेस्टेज के नियम कब से चालू हुए, तो देखो ये मैंने न्यूज आपको बताइए 1 अप्रैल 2023 की न्यूज तो बात की है, मैंने 1 अप्रैल से बाद में आई, मई में आई है लगभग, लेकिन ये अप्रैल को पास हो गई है कि अप्रैल 2023 से चालू हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ ई वेस्टेज से निपटने के लिए नया कानून लागू है, जो ई वेस्ट पैदा करेगा वही भी नष्ट भी करेगा। अगर आपकी गाड़ी है तो आपको ही इसका पूरा मैनेजमेंट कराना होगा। इसके तहत यदि किसी कंपनी ने वॉशिंग मशीन बनाई है, अगर आपकी वॉशिंग मशीन एलजी कंपनी की है तो आप एलजी को दीजिए, किसी भी कंपनी की है तो आप उसी कंपनी में उसको रिटर्न करिए, वो अपना उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अब 10 साल से पहले जितनी भी वॉशिंग मशीन बनाई थी उसके 60% हिस्से को नष्ट करने का प्रमाण पत्र देने के बाद ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उसे फिर से उत्पादन की अनुमति देगा। यानी अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे जो 10 साल पहले बनी हुई थी, तो अगर उसके पास डाटा नहीं होगा कंपनियों के पास, क्योंकि अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा तो डाटा नहीं होगा, डाटा नहीं होगा तो डाटा दिखाएगा नहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, तो वो उसको वैलेंस जो लाइसेंस होता है आगे प्रोडक्शन प्रोडक्शन का वो देगा नहीं। इसलिए कंपनियां कुछ ना कुछ कदम ऐसा उठाएंगे जरूर, क्योंकि उन्हें आगे भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा, राइट। ऐसा तो है नहीं कि 10 साल बाद बना दिया और कंपनियां बंद हो गई या बंद करके चले जाएंगे, ऐसा तो करेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं वो इसमें भागीदारी करें, हाँ 100% नहीं करेंगे लेकिन 60-70% तो करेंगे ही, राइट। क्या करेंगे कंपनियां, देखो इस जिनकी उम्र ज्यादा ना हो, मतलब खराब चीजें ही बनाएंगे, अच्छी वो बनाएंगे ही नहीं। इस तरह के फ्रिज टीवी वॉशिंग मशीनों में ऐसा सामान इस्तेमाल होगा जो निर्धारित अवधि के बाद इस्तेमाल करने के लायक ही ना हो। अगर वो अच्छी बनाएंगे तो 10-20 साल चलेंगे, तो वो फिर चीजें सुटेबल नहीं होंगी, आदमी क्यों यूज करेगा, यूज करेगा लेकिन वापस नहीं करेगा, तो फिर उनको प्रोडक्शन नहीं करना पड़ेगा, फिर उनकी कंपनियां बंद हो जाएंगी। तो
तो ऐसा यूज ही करेंगे। एक पॉइंट आया है कि कौन से किसका यूज करेंगे, तो सामान खराब ही लगाएंगे जिससे वो खराब जल्दी हो जाए। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई और यहाँ पे लिखा हुआ क्यों खतरनाक है, तो इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको पहले दे दी थी कि क्यों खतरनाक है, और ये चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है। बीमारियाँ फैलती हैं, कैडमियम होता है, हेक्सा, बहुत सारी चीज़ क्रोमियम्स होते हैं, वहाँ पे लिखा आर्सेनिक भी होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़ों का कैंसर होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट्स से चलिए अब लास्ट स्लाइड पे, मैंने आपको बता दिए हैं ये आज का सेशन था। आपका आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक्स पे आपको नए वीडियो देखना पसंद करोगे आप बताइएगा। वैसे तो हम करंट अफेयर में जो भी आएगी न्यूज़ उसको हम ज़रूर कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस वेदा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस यूट्यूब चैनल विथ मी, एंड इफ यू अंडरस्टैंड एंड सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई एम डूइंग द दिस वीडियो, थैंक्स। ओके, सो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।